वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदा अनुसार 3 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य जैसे वृक्ष के मूल में जड़ों खाद देने से
वो तना और उसके अंदर बुधार उप शाखा छोटी शाखा तैरिया पत्ते फूल फल सब में तेरी तरी आ जाती है केवल वृक्ष के जड़ में डालू जलदान। और जैसे मनुष्य को भोजन दिया जाए जल दिया जाए एक मुख में तो सब शरीर ठीक हो जाता है, सब शरीर की पुष्टि हो जाती है। ऐसे ही सज्जनों केवल भगवान के याद करने मात्र से सब काम ठीक हो जाए। अनंत ब्रह्मांडों की जड़ मूल परमात्मा है, परमात्मा से ही सब पैदा होते हैं, परमात्मा से ही पालित होते हैं और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। तो केवल परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए सब काम आप साफ ठीक होते हैं। हम चतुराई से बुद्धिमानी से काम कर लेंगे ये अभिमान होता है, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। ये बात अलग है कि अपने तन से मन से धन से विद्या से भगवान के सम्मुख हो जाए ये तो काम हमारा है, पर हमारी बुद्धिमानी से हम कुछ काम कर लेंगे बल से कर लेंगे ये अभिमान है, होता है भगवान की कृपा से। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है, सबकी सहायता कर देते हैं, सबको दे देते हैं, परंतु अपने को जनाते नहीं। एक विलक्षण बात है, उस देने का उसका तरीका बड़ा विलक्षण है। जिसको जो चीज दी जाए और मिल जाती है तो वो अपनी ही समझता है। जैसे शरीर मिला तो कब की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही, कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु। पर हम लोग क्या समझते हैं, ये शरीर तो मेरा ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है, वो जनाते नहीं और कितना देते हैं जिसका कोई पार नहीं, कितना उतना क्या, जो सब कुछ है उसका ही है, उसका ही दिया हुआ है। परंतु मनुष्य मान लेगा अपना, मनुष्य नहीं पशु पक्षी राक्षस असुर देवता भूत प्रेत पिशाच वृक्ष तक अपना मान लेते हैं। ऐसी उसकी एक विलक्षणता है, अलौकिकता है। मनुष्य कोई भी सहायता करता है तो अपने को जनाता है, मैंने तेरा इतना उपकार किया इतना किया इतना किया। परमात्मा जाना तो दूर रहा, पता ही नहीं लगने, जिसका उपकार करते हैं उसको पता नहीं लगता, वो समझते हमारी बुद्धि से मैंने किया है, हमारी बुद्धिमानी से हमारे बल से हमारी योग्यता से हमारी चतुराई से ये विलक्षणता से हम किया है ऐसा मालूम होता है। तो सज्जनों अगर आप उन्नति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, प्रभु का प्रेम चाहते हैं, तो केवल प्रभु के सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम उद्योग करके नाश नहीं कर सकते, जब ही कभी जीव का कल्याण होता है तो भगवान की कृपा से
कृपा के सन्मुख हो जाए। पर आप साहब आते हैं, आप स्वतः आश्चर्य आता है, ये बात कहां से आ गई, ऐसी योग्यता कहां से आ गई, ये विलक्षण ज्ञान कहां से आ गया, आश्चर्य आता। ऐसी विलक्षण स्थिति उस प्रभु की कृपा से आती है। अरे वो मान लेता है अपने जाके कृपा लवलेश थे मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समनाई को। जिस भगवान की कृपा लेश से लभ्य दे तू तत्कृपया भगवान कृपा लेशाद वाह भगवान की कृपा का लेश थोड़ा सा अनंत ब्रह्मांडों की रचना अनंत ब्रह्मांडों का पालन आलों का सृजन संरक्षण हो जाता है। यार्थ दृष्टि वशत सुरा समृद्धि को वीक्षण धनुषा विलय भजन भी थोड़ी सी कृपा से सब पारित हो जाते हैं। राक्षस असुर आदि का दुष्टों का थोड़ी सी हस्ती के खत्म हो जाते, उसका वैभव कितना है ये आदमी जान नहीं सकता, अपनी बुद्धि उसकी अटकल लगा नहीं सकती। ऐसे अपार असीम हरि आनंद हरि कथा अनंत कथा आनंद है हरि आनंद है अनंत नामानि भगवान के नाम आनंद है। फिर उसके भावों का क्या पार हो, भगवद गीता में इतनी विलक्षणता भर दी है, अनेक विद्वान अनेक संत अनेक महात्मा इसके लिखने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी अलौकिक विलक्षणता भगवद गीता में भरी है, जो देखते हैं तो विलक्षणता आती चली जाती, उस कृपा का आश्रय लिया जाए तो निहाल हो जाएगी। तरह तरह के उद्योग करता है, बुद्धिमानी लगाता है, तरह तरह के आविष्कार करता है, विज्ञान में बड़े चमत्कारी बातें बढ़ा देता है, फिर कहां से आती है, सब प्रभु से आती है। वो अपार असीम अनंत कोई अंत नहीं, उस प्रभु से बात है। वेदांत में कहते हैं कि मायायाम सर्वसंभवात, माया से सब संभव है, माया किसकी है, वो प्रकृति किसकी है, वो अव्यक्त किसका है, वो परमात्मा का है। माया में बड़ी अलौकिक शक्ति है पर वह भगवान के आश्रित। देखो आप में ताकत है, आप में बुद्धिमानी है, आप में विद्या है, आप में कला कौशल है, सब तरह की योग्यता है आप में, तो ध्यान देकर आप लोग सुने, उस कला कौशल को उस विद्या को उस योग्यता को आपसे अलग करके आप बता सकते हैं कि मैं तो ये रहा और मेरी ताकत ये रही, नहीं था। ऐसे माया में अलौक शक्ति है परंतु परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। परमात्मा के आश्रित रहते हुए बड़ा विलक्षण चमत्कार होता है परंतु उसकी विलक्षणता अलग नहीं है। फिर कहता हूं भाई बहन ध्यान दे, आप में जो ताकत है बोझा उठाने की, आप में बुद्धिमानी है जो कला कौशल की, आपने अनेक तरह की विद्या है वे आप में है, जब आप जानते मेरी है, खास
ख्याल करने की बात है कि वो योग्यता आपको छोड़कर अलग हो सकती है, आपकी ताकत आपसे अलग हो सकती है, नहीं हो सकती। और एक विचित्रता है कि वो शक्ति घटती बढ़ती है, अपने में भी ताकत घटती बढ़ती है और हम वैसे ही रहते हैं, हम घटते बढ़ते नहीं है। धन आपके आता है चला जाता है, मान आदर आपके आता है चला जाता है, बड़ी प्रशंसा वाह होती है चली जाती है, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति अलौकिक विलक्षण है, उसके समान कोई किसी की शक्ति नहीं है। न तत्समोस्त्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे अधिक कैसे होगा, असंभव। उसमें अनंत तरह की अलौकिकता है, परंतु वो अलौकिकता भगवान को छोड़कर भी नहीं है। सातवें अध्याय में भगवान ने अपनी अपरा और परा दो प्रकृतियों का वर्णन किया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति दृष्टा। ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है, ये अपरा है और इनसे परा प्रकृति है जीव। तो ये दोनों भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, परंतु भगवान से अलग इनकी शक्ति नहीं है, भगवान से ही शक्ति मिलती है। शक्तियों का घटबड़ हो सकता है पर परमात्मा का नहीं। ये नमूना है, आप हम लोग अपने पास में कला कौशल ताकत बल अधिक है, ये आपसे अलग नहीं हो सकता। आपसे बालक पाता है वो घटती बढ़ती रहती है, पर आपसे अलग स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। ऐसे भगवान के सिवाय किसी की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आधार आश्रय अधिष्ठान परमात्मा है, केवल परमात्मा है। अब उसका ही आश्रय लिया जाए तो आप में विलक्षण अलौकिकता आ जाएगी, बड़ी शांति हो जाएगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा बोध होगा, बड़ा प्रेम होगा, जिसका कोई पारावार न हो ऐसा। तो भगवान में अनंत है, उसके चरणों के शरण हो जाओ। गीता का अर्जुन को उपदेश दिया, अंत में पूछा कच्ची देत स्वतम पार्थ एकाग्रण चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। दो बात पूछी, आशय इसका क्या है, अगर गीता ध्यान से सुनी हो तो तुम्हारा मोह रह गया, ये अज्ञान से मोह नहीं रह सकता। एकाग्रता गीता सुनने से मोह नष्ट हो जाता है, मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन ने उत्तर क्या दिया, मैंने गीता सुना इसको कुछ उत्तर दिया, नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो गीता सुना है ना, ये बात हुई। नहीं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद वो जो पहले थी वो याद आ गई, स्मरण हो गई। गीता श्रवण करने से न तत्प्रसाद आपकी कृपा से। ये सुनने वाले मानते हैं कि हमने अपने बुद्धिमानी से बात सुनी, इस वास्ते हमारा मोह नष्ट हुआ। अर्जुन ऐसा नहीं मानता, अर्जुन कहता है मोह नष्ट हो गया,
पर आपकी गीता सुनी और सुनने पर मैंने मनन किया, उससे वो ऐसा नहीं मानता हूँ। त्यागियों में, भगवान के प्रेमियों में, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों में जो विलक्षण आती है वो भगवान से आती है। गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया, वह यदि विभूति मत सत्व श्रीमद गुरुजी तुम्हे हुआ तत्व देवावगतम मम तेज संभव। भगवान कहते हैं जहां जहां तुम्हारे को ऐश्वर्य दी गई, जहां जहां तुम्हारे को बल दी गए, जहां जहां तुम्हारे को विलक्षण दी गई, वो सब के सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। कहीं भी विलक्षणता है भगवान से आई है, प्रभु की अनंत कृपा से मानव शरीर मिला। सज्जनों अपने को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं, भगवान ने कृपा कर मानव से ये दिया। हम वैभव में, पदार्थों में, रूपियों में, मान आदि सत्कार में मस्त हो गए, गलती करी, भगवान के कृतज्ञ बनो। अर्जुन ने गीता सुनने पर तत्प्रसादात आपकी कृपा से, जो कृपा से शक्ति मिलती है वो दूसरी चीज से नहीं मिलती। गाय का बछड़ा होता है वो एक विलक्षणता होती है गाय की, वात्सल्य प्रेम, बछड़े की तरह प्रेम, उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं, उसमें विलक्षणता है। आपने देखा होगा गायों के रखने वाले जानते हैं, हमारे देखा हुआ है, गाय के गोबर की, गाय के गोमूत्र की गंध हो जाए तो वो चारा गाय नहीं चलती। जैसे अपने टट्टी पेशाब हो जाए तो अपने थोड़ा स्वीकार करेंगे, ऐसे गाय चलती नहीं, गंध आ जाती है। वो गाय अपना तुरत का पैदा हुआ बछड़ा उसको चाट करके साफ कर देती, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वात्सल्य कृपा। गंध मात्र होने से चारा नहीं चलती, उसमें लिप्त हुआ हुआ बछड़ा है, चाट करके कर देती साफ। ये क्या है, ये कृपा है। अगर आप परीक्षा करना चाहें उस बछड़े को जल से धोकर साफ कर दीजिए, गाय का दूध कम होगा और चाटने से गाय का दूध मिट जाता है। मरुन को साफ करने में गाय को आनंद आता है, गाय के प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाए, कैसे ही मल में पापों में लिप्त हैं हम, भगवान चाट कर साफ कर दे और भगवान खुश हो जाए। अहंत सर्व पापे भी हो मोक्षिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। उसकी जो गड़बड़ी की हुई, पाप खुद की, पाप भगवान ने नहीं करवाए, भगवान ने सहायता नहीं दी, भगवान से विमुख और पाप किए, पर प्रभु के चरण शरण हो जाता है तो उसका सब काम कर देते। सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, पापे भ्य करने मात्र से भी सर्व शब्द आ जाता है भीतर, पर सर्व पापे कोई पाप नहीं रहेगा। सज्जनों आप हम उद्योग करके इतनी उन्नति नहीं कर सकते जितने भगवान के चरणों के शरण होकर कर सकते। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु सबके भगवान है। जीव भूल जाता है भगवान भूलते नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजारी,
मेरे ही पैदा किए हुए हैं, सभी मेरे को प्यारे लगते हैं। अब आप सन्मुख हो जाए इतने मात्र से खुश हो जाते। हमने क्या दे दिया, क्या निहाल कर दिया भगवान को, क्या मदद कर दी, क्या भगवान के पास चीज नहीं थी वो हमने दे दी। केवल सन्मुख हो जीव मोई सबई जन्म कोटि अग्नाशय तभी। जैसे कोई 6 महीना 12 महीना गुफा में रहे और सूर्य का दर्शन न करे, बस जिस क्षण आकर के सूर्य तो देखता है तो सूर्य नहीं कहता कि 12 महीनों तक तेरे नहीं देखा तो एक दिन तो मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं। जितने देखते इतने दिख जाते। ऐसे अनंत जन्मों में भगवान से डूब रहे और सन्मुख हो जीव वही सब जिस घर सन्मुख हो जाए जन्म कोटि अग्नाशय। उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सबसे अधिक गुरु की महिमा बताई जाती है और महाराज लिखते है उमा राम से भगवान के समान हित करने वाला न गुरु है न माता है न पिता है न भाई, वो एक ही है अद्वितीय है। उसकी कृपा की तरफ देखो आप, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है 10वें अध्याय के 4वें अध्याय में तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मुंजान एवात्मकृतं विकारं हे द्वापरविद्युत नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदैव। आपकी कृपा की तरफ देखता रहे। अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ देखता था पर दृष्टि कृपा की तरफ थी। इस गति महाराज नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तत्प्रसाद आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ। आप कितना ही उद्योग कर ले उनसे काम नहीं होता। एक भक्त की कथा सुनी है मैंने। एक भगवान का भक्त था तो उसने तपस्या करी, भगवान के नाम का जप किया, तपस्या बड़ी क्रूर तपस्या, एक शिला पर ही रहना, चाहे वर्षा हो चाहे घाम हो चाहे शीत हो चाहे वायु चले चाहे ओला गिरे उस शिला पर ही रहना। और शिला के पास एक दाड़िम का वृक्ष था, अनार में दाड़िम, दाड़िम तो मीठी होती है उसके पत्ते मीठे नहीं होते, तो उस दाड़िम के वृक्ष में जो मिल जाए वही खा लेना और तपस्या करना भजन करना। 12 वर्ष किया तो भगवान प्रकट हो गए, वरम रू ही बोलो भाई वरदान मांगो। तो बोला कि महाराज आप कहते वरदान मांगो तो मैं मुफ्त में थोड़ी मांगता हूँ, मैंने कितनी तपस्या की है, मांगो तो उसको कहना चाहिए जो कुछ भी नहीं करे मुफ्त में देते हूँ, मांग लो तुम मांग लो तो कुछ हिसाब होना चाहिए, कितनी तपस्या करी है मैंने, फिर कहते मांगो तो किसी आदमी की इज्जत रखनी चाहिए, जो मुझे मांगो, सब मांगते ही है, कोई इज्जतदार भी आदमी होगा इन्हें मांगो, भगवान के कोई बात नहीं तुम मांग लो, मांगना नहीं महाराज कैसे और क्या हिसाब होना चाहिए। 12 वर्ष तपस्या करिए और शिला पर रहा हूं और दाढ़ में वृक्ष सवाए और कुछ खाया नहीं है, पत्ते खा लिए डंठल खा लिया फल लगा खा लिया, इतनी कठोर तपस्या की है, हिसाब होना चाहिए। भगवान कह रहे क्या हिसाब करेगा तू चाहे सो ले ले नहीं बना हिसाब होना चाहिए। और अच्छा वो अच्छा कहते ही शिला बहुत उठी,
शिला कहती है कि 12 वर्ष मेरे पर रहा तो 12 वर्ष तो मैं रहूंगी इस पर, ये ब्याज तो अलग होगा। और वो वृक्ष कहने लगा मेरे को नोच नोच के खा गया, 12 वर्ष तो मैं खाऊंगी इसको, 24 वर्ष तो ये हिसाब होगा जो तुम शादा है, और इन पहले का जितना फर्क है वो हिसाब पीछे होगा। ये तो कट्टी कड़ी तपस्या है, उसका फल है। चरणों में गिर गया, बड़ा तो ऐसा हिसाब क्यों करता है। भगवान की दया से काम चलता है सज्जनों। हम भजन करते हैं, जप करते हैं, कह सकते हैं महाराज आपकी गीता का पाठ करते हैं। सुनो, गीता याद कर ली हमने, बड़ा काम कर लिया, बड़ा विचित्र काम किया। उद्धार तो कृपा से होता है, आपके करने से नहीं होता। अपने किए हुए पाप, उन पापों को भी भोग कर कोई नष्ट करे तो जन्मांतरों तक योगांतर नहीं होता, अंत में कृपा से ही होता है, दया से ही काम होता है। बच्चा माँ को कह सकता है कि मैं तेरा पालक हूँ, हिसाब करूँ। माँ का हिसाब करेगा क्या कहेगा? अरे पैदा ही कहाँ से हुआ, गोद में किसके रहा, दूध भी किसका पिया, बड़ा कैसे हुआ, चलना बोलना किसने सिखाया? सबका गुरु पहली माँ है, ये आदि गुरु मानी गई। अब माँ का हिसाब किया जाए तो बच्चा चुका सकता है, परंतु माँ का ऐसा स्वभाव है वो दया ही करती है, देखती नहीं। कुपुत्र जाए तक क्वचित कुमाता न भगवती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। ऐसे तो नहीं हो माता पिता तो नहीं हो, संपूर्ण मातृ प्राणियों के माँ हो बाप आप, सदगुरु और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसकी कृतज्ञता आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसने जितना उपकार किया है उतना बदला उपाय नहीं, क्या करोगे बताओ? एक आंख दी भगवान ने, उसका मूल्य भी चुकाना हो तो है आपके पास में। एक अंगुली कट जाए तो रबड़ की लगा लो, बड़े ऐसी दुनिया में ये तो बात है, छोटा सा अंग भी बनावटी हो जाएगा, वो चीज आवेगी नहीं, वो भगवान ने दिया है। नक्षिक से पैदा किए जाने चित्रा मोर, हरिदास हरि बिसरे परा हरामी खोर। नक्षिक से पैदा किया, पल के अंगूठा का नख, वहां से देकर शिखा तक, शख नक्षिक से पैदा किया, कहीं भूल नहीं रखी। ये भौरे यहां कर देते तो क्या कर सकते, भूल नहीं की। नक्षिक से पैदा किया जाने चित्रा मोर, जैसे मोर में कितने रंग होते हैं और कितने ढंग से चित्रित किया है, कोई चित्रकार करे तो बहुत अच्छा कर सकता है, परंतु वो मोर की ताकत नहीं आती। मोर चलता है, पोड़ता है, बोलता है, वो थोड़ी आ जाएगी, कितनी विलक्षण है। ऐसे ये बहनों भाइयों का शरीर जिसने पैदा किया है, भले अलौकिक विलक्षण शक्ति से ये प्राप्ति हुई है, ऐसी भगवान की कृपा को क्या कोई देखेगा, क्या समझेगा और क्या बदला चुका सकता है? नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, इतने कहने मात्र से खुश हो जाते। अच्युता स्मृति मात्रेण शंभो श्वेतार्क पुष्पेण
चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर सकते। भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो सफेदा के फूल दतुरा फूल वे लाकर चढ़ा दो, जो जंगल में होते भगवान खुश हो जाए। क्या कोई मूल्यवान वस्तु है? क्या कोई दुर्लभ है? क्या बगीचे में जाना पड़ेगा? और चंद्रोदय होता है उस समय अपना कपड़ा है उसका एक तंतु लेकर के ऐसे लेकर चंद्रमा को अर्पण कर दो, चंद्रमा खुश हो जाता है। वो चंद्रमा तक पहुंचा वो तंतु, एक क्या चीज है? शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्र साधु संत महात्माओं को जरा जी महाराज खुश हो जाएगी। तो क्या पुष्टि पहुंचगी? और भगवान तो याद करने मात्र से, ना श्वेतार्क पुष्प चाहिए, ना तंतु चाहिए, ना नमस्कार चाहिए, याद मात्र कर। याद मात्र करने से सब काम कर देते। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बदलना विमुच्यते। जिसके स्मरण मात्र करने से यह जन्म संसार बंद हो जाए, सब पापों से मुक्त हो जाए, कितनी विलक्षण है, कितनी अलोक हो जाए। साधव कर सकते अच्युत स्मृति मात्र, भाइयों बहनों भगवान को याद कर, याद करने मात्र से सबका हो जाता है। केवल याद कर लो, कोई वस्तु देना है न कोई काम करना है न कोई परिश्रम है ना कोई पसीना आता है आपको, केवल याद। इतना सस्ता कोई नहीं। शंभु श्वेता पुष्प चंद्रमा वस्तु साधु कर शंभु दे को याद, केवल भगवान याद अच्युत स्मृति मात्र, केवल याद मात्र करने से खुश हो जाए। ऐसा कौन मिलेगा बताओ? सबसे बड़े न तत् समोस्त्य, आपसे अधिक तो कौन होगा, आपके समान भी कोई नहीं है। ऐसे विलक्षण परमात्मा, भगवान के समान कोई नहीं है, एक ही है, अद्वितीय है। अरे केवल याद करने से खुश हो गया, कितनी विचित्रता। तो सज्जनों सार चीज है, सार चीज है। याद आ गई, प्रेरणा हो गई, ये अभय का सत्संग आखिरी है। इस वास्ते आखिरी बात कहता हूं, उमा राम समहित जग माए, गुरु पितु मातु बंधु हो जाए। थोड़ा सा उपकार हो जाए तो कितना एहसान हो, उसका कितना उपकार है। जिन्हें कला सिखाई कितना उपकार है, भगवान के उपकार का पार नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं। ऐसे भगवान को याद मात्र कितनी विलक्षण बात है, केवल याद कर लो बस अच्युत स्मृति मात्र। भाइयों बहनों बड़ा सुगम काम है, थोड़ी सी सावधानी रखो, कोई काम करो तो पहले भगवान को याद करो, भगवान को याद करके काम करो, सब सब जगह विजय होगी। एक दिन की बात है, चूरू ऋषिकुल है, ब्रह्मचर्य आश्रम है चूरू में, उसका उत्सव था। तो उसके उत्सव से हम लोग जा रहे थे, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में लक्ष्मणगढ़, नाम नहीं आया, लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार
जो कल्याण के संपादक थे वे एक लोरी मिला, हम भी साथ में थे। तो लोरी चली तो हनुमान बख्श जी बोले नारायण 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 चार बार दर्शन पड़े। तो कहा कि हम बोले तुम समझे, हम क्या समझे, नारायण 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 कर दिया। कहते मालवीय जी ने कहा मेरे को, मेरे से बोले हनुमान हाँ महाराज, देखो तुम्हारी कोई बात बताओ, तुम्हारी को एक बात बताओ, बहुत विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। हाँ महाराज कहो। अरे मेरी माँ की बताई हुई है, मेरी माँ ने बताई, ऐसी बढ़िया बात है, तो बताओ महाराज। कहते सबसे श्रेष्ठ, कहो तो सही क्या है। मेरी माँ ने बताई, माताओं से शिक्षा मिलती हो, माँ का उपकार भी मामूली नहीं है। अच्छे लड़के हुए, अच्छे महात्मा हुए, अच्छे संत हुए, आप खोज करो, माताएं अच्छी हुई, गांधी जी अच्छे हुए तो उसकी माँ श्रेष्ठ हुई। ये माताओं से श्रेष्ठ बनती है, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है ये माँ, माँ पढ़ने से शर्माती है। अरे दर्जा माँ का ऊंचा है, वो नहीं पढ़ना चाहती। मेरी माँ ने बताई, क्या बताई, माँ ने कहा देखो बेटा कहीं जाओ तो नारायण 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 याद करके जाना, तेरे को बता दो हनुमान मेरी माँ की बताई बात, नारायण 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 करना। उस दिन हम कहते थे हनुमान प्रसाद जी कि कहीं भी हम रवाने होते हैं तो मुख से स्वतः नारायण नारायण आ जाता है। तो मालवी जी की बताई बात है ये हनुमान प्रसाद जी कहा। तो मेरे को मिली है महाराज हनुमान प्रसाद जी पोतर से, मैं आपको बता रहा हूँ बहनों भाई सब सुनो, कितनी सुगम बात, कितनी बढ़िया बात, नारायण नारायण नारायण। हमारे भी ये साधुओं में जब मोटर चलेगी नारायण 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 आदत पड़ गई, ऐसे आप कोई काम करो नारायण नारायण नारायण, राम राम ले लो, नारायण गोविंद वासुदेव कृष्ण दामोदर माधव मुकुंद ऐसा नाम ले लो, भगवान को याद करो और नमस्कार कर लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये सार बात है, ये सत्संग आखिरी है आज का, सुबह के समय का आज आखिरी। तो असली चीज बताता हूँ बहनों से भाइयों से, इसको धारण कर, बहुत अच्छी चीज। जैसे कोई माल बताता है हमारे अमुक कंपनी का है ये बढ़िया माल, जो हमारे बढ़िया कंपनी का है बात है, वो बताते तो इसको पकड़ता हूँ। बहनों से कहना है इस सत्संग से ये एक बात पकड़ धारण कर, थोड़ा दिन निगाह रखनी पड़ेगी फिर आदत पड़ जाए, जहाँ रवाने हुए नारायण नारायण, जो काम आरंभ किया नारायण नारायण नारायण, सब काम ठीक हो जाएगा। मालवीय जी ने कहा कि हनुमान मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी में, राजाओं के पास गया, धन लाया, कभी कभी भूल गया इसको, वो यात्रा सफल रही हुई, और नारायण ने कह गया खूब धन मिला, विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। वो मेरी देखी हुई बात है, भूलने पर वो बात नहीं होती, केवल याद मात्र करे तो काम बन जाता है। एक दिन की बात है, माता कुंती पांडवों की माँ, तो कृष्ण भगवान की फूफी थी, बुआ थी, कृष्ण भगवान के बाप की बहन जी। तो वो कहती है कन्हैया से, कन्हैया छोटा था ये बुआ थी, गोदी में खिलाया कन्हैया को,
परंतु कुंती माँ का भाव था कि साक्षात भगवान है। एक कुंती माँ, एक विदुर जी, एक विष्णु जी, ये जितना भगवान को जानते थे इतना युधिष्ठिर भी नहीं जानता। इतने जानकार थे ये, विष्णु जी जानते थे, कुंती माता जानती थी, विष्णु जी जानते थे। वो कुंती माता ही दिन कहने लगी, कन्हैया ये युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये तेरे भाई है और ये जंगल में भटकते हैं, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तेरे को दया नहीं आती? तू सर्व समर्थ रहता हुआ भी अपने भाइयों के दुख को नहीं देखता, ये दया नहीं आती? भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया कि बुआ जी, द्रौपदी का चीर खेतने लगे, ये गोविंद द्वार का वासन गोपी जनप्रिय नगर करना था सभा में, 1 वस्त्र थी, केवल 1 कपड़ा था पहनने के लिए, अलग साड़ी नीचे उभरी रिश्ता थी, 1 वस्त्र, केवल 1 ही वस्त्र, और दूसरा सर खेसने लगा तो मेरे को याद कर लिया तो नख भी आगे उभरा नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, अपने को हार गया, राज्य हार गया, स्त्री को हार गया, पर बुआ जी मेरे को याद ही नहीं किया। अरे याद तो कर लेता मेरे को तो, नहीं याद करने से इतने धर्मात्मा युधिष्ठिर जिनमें यह दशा हुई, अर्जुन ने याद कर लिया तो बोल, जब तक याद नहीं किया तब द्रौपदी के केश खींचे गए, केशों को पकड़ करके गिरा दी और मरे हुए कुत्ते को घसीटे, ऐसे समय को घसीट लिया। जब खड़ी कर गए, वस्त्र उतारने लगे तब याद किया, फिर दख भी वाला नहीं हुआ, जब तुम याद नहीं किया तब तक भूस गई, और जब याद किया तो कुंती माता चुप हो गई। बोलो इतना बड़ा काम करे, राज हार जाए, जुआ खेले, अपने को हार जाए, भाई को हार जाए, अपनी स्त्री को भी हार जाए, इतना बड़ा काम और मेरे को याद ही नहीं किया, इसमें क्या बात है? याद तो कर लेता मेरे को तो। सज्जनों, ऐसी मुकुट चीज है, ऐसी एक बढ़िया चीज है, आप समझ लो एक व्याख्यान है, एक कह दिया, एक व्याख्यान नहीं है, ये असली चीज है। संत महात्माओं का गुप्त धन है, गुप्त धन, जिस भगवान के याद करने से महात्मा हो जाते हैं, पापी से पापी शुद्ध हो जाता है, अजामिल जैसा पापी वो भी शुद्ध हो जाता है, गजेंद्र जैसे, द्रौपदी जैसे, कितनी मुसीबत से रक्षा होगी केवल याद करने मात्र से। तो आप लोगों से ये बात कहनी है, आज आपको विदा देनी, विदा, आज हम विदा होते, सुबह कल होंगे, रात्रि का सुबह का सत्संग करके कल सुबह सत्संग में भाई बहन सब आ सकते, कल सुबह करके जाना है। तो आज विचार आ गया, मेरे को प्रेरणा मिली है, मेरे को आज्ञा मिली है, जो कहता हूँ मेरी बुद्धि से नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, इसका जरा मूल्य समझे, ऐसे नहीं व्याख्यान हुआ ही बात कह दी, ऐसा नहीं समझे। जब याद करते हुए आप भगवान को याद करोगे, मुसाफरी में जाते हुए तो अंतिम मुसाफरी में भगवान याद आ जाएंगे, अंतिम मुसाफरी हो प्राण को चल जाएगी, वो करनी पड़ेगी सबको, और काम करना न करना, करे न करे, परंतु जाना तो पड़ेगा। जिन लोगों ने जन्म लिया है मरना तो पड़ेगा भाई, यह यात्रा तो जरूर करनी पड़ेगी। कोई है आप में, हमारे में, जो भी नहीं मरेंगे,
तो रवाने होते ही भगवान को याद करो, अंतकाल ऐसे महामेवा स्मरण मुक्त का नहीं बोलो, अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, न संशय संशय नहीं। और ऐसे आपकी आदत पड़ जाएगी, रवाने होते भगवान को याद करना, तो यार से रवाने होते भी भगवान को याद कर लो, निहाल क्यों, कितना ही पापी क्यों हो, अंत में भगवान की याद हो जाए, अनंत जन्मों की पाप नष्ट हो जाए। ये कायदा है, ये बताओ कायदा है, कायदा कैसे कायदा है, ध्यान देकर सुने, कृपा कर। भगवान ने मनुष्य जन्म लिया, ये तुम्हारा उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, यही तनु कर विषय भाई, ये विशेष जीवन सुख भोगना नहीं है, इस शरीर से धन कमाना काम नहीं है, ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो भगवान ने दिया और प्राणी ने लिया, जीवन से ही भूले गया, भगवान ने दे दिया, तो भजन करके अपना उद्धार करना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि बेटा उद्धार हो जाए भजन कर, अगर वो भजन नहीं करता तो भगवान कहते मेरी फजीती हो जाएगी, मैंने कल्याण के लिए दिया तू कल्याण नहीं करता और तेरी भी फजीती होगी। अरे उद्धार के लिए शरीर दिया तने लिया और उद्धार नहीं किया तो दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं हर समय तू मेरे को याद कर, सर्वेषु कालेषु मां मनसि, सब समय में तू मेरा स्मरण कर और काम भी कर, युद्ध चा उसका युद्ध था, मैंने माताओं के बालकों का पालन करना है, रसोई बनाना है, झाड़ू देना है, आदि काम है वो करते हो भगवान को याद, भगवान को याद करते हो सब काम करो, तो सर्वेषु कालेषु मां मनसि, सब समय में मेरे को याद कर, नहीं किया तो भगवान कहते हैं उम्र में याद नहीं किया, कम से कम अंत काल में भी याद कर ले, तो मेरा दिया हुआ मनुष्य जन्म और तेरा लिया हुआ मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी। अंत काल में भी याद कर ले तो काम बन जाएगा, इतनी छूट दी तो अंत काल की छूट है, कसाई पापी हो तपारे तपा काहे को खपा, अंत मती सोई गति, अंत में जो मती होगी वो गति होगी, अंत में भगवान का स्मरण कर ले बेटा पा। भगवान कहते तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी, मैंने मनुष्य जन्म दिया और तेने लिया तो अपना उद्धार कर लिया, तो नहीं कर सका केवल अंत समय में कर, सब तो अंत में कैसे याद आवे, हर एक काम करते हो भगवान को याद करो तो अंत में याद आ जाएगा, जब प्राण जाने लगे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर तो प्राण तन से निकले, प्राण निकले बस प्राण निकले मुख से तेरा नाम आवे, प्राण निकले सुख से तेरा नाम आवे मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, कितनी बात है, घोर दुख से नरकों के दुख से बच जाते हो, भगवान का नाम आते ही, तो ये अंतिम बात है, इतना दिन सत्संग हुआ उसकी सार बात बताई, खास सार, जैसे पहले का यथा तरोर मूल निषेचन है ना, जैसे वृक्ष का मूल निषेचन करे तो वृक्ष सब हरा भरा हो जाता है, और जैसे भोजन अन्न देने से सब शरीर में ताकत आ जाती है, ऐसे भगवान के स्मरण करने से सब तरह की रिद्धि सिद्धि आनंद सब आ जाएगा, एक भगवान की याद कर ले तो सर्वेश हुआ, सब समय राम 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 राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम रीत, हाथ से काम करो कर से कर्म करो विधि नाना,
मन राखो जा कृपा निधान सब काम कर दी बोलो एक बात कहना आपसे एक बात बताऊं सुनोगे सुनोगे बात सुनोगे ख्याल करना भाई हाथ जोड़ कर कहते हैं मेरी बात सुना बहनों भी सुनना भाई लोग भी सुनना क्या कथा सत्संग होती है व्याख्यान हो तो भेंट पूजा करते हो नहीं और भाई सप्ताह होते हुए भेंट करते हो नहीं तो हमारे को भेंट नहीं करोगे तो क्या भेंट भगवान को याद रखो ये हमारी भेंट है ये हमारी पूजा है और डॉक्टर को भी देते हो कुछ फीस वकील को भी देते हो तो इतनी बातें सुना लोगे नहीं दोगे बताओ क्या भगवान को याद रखो केवल भगवान को याद रखना नाम जप करो और भगवान को प्रार्थना करो बार बार नमस्कार करो हम समझेंगे कि हमारे बहुत भेंट पूजा होगी हमारे बहुत माल आ गया इसके समान है नहीं लाखों करोड़ों रुपया दे दो तो इसके समान नहीं होगा क्या हो सकता है अरबों रुपया आप दे दो तो इसके समान हो सकता है भाई इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्मरण कर को और उसका पुण्य मैं ले लू ये नहीं है वो पुण्य आपको स्मरण करने का जो कल्याण वो आपका ही हो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पर कृपा कर और साधु है भिक्षा को आते हैं रोटी दे देते हैं आपको पुण्य आपको कल्याण आपका उद्धार आपका मेरी बात सुन लो केवल इतनी मेरे पर कृपा करो सब कल्याण आपका उद्धार आपका मातम आपका सबका भाई बहनों का ये बात नारायण 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 नारायण।